और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे ओबीसी वोटों की लड़ाई सिस्टम पर चढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया 60 साल तक सामान्य शिक्षण संस्थानों की तरह चला है, इसमें पिछड़े दलितों को आरक्षण मिला करता था, लेकिन मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने साल 2011 में चुपचाप एक चाल चली, अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया गया था और इससे जामिया मिलिया में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने इंडिया गठबंधन को बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों के वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को सर्टिफिकेट दिए थे। ये तुष्टिकरण की राजनीति हर हद पार कर रही है। कोर्ट ने तमाचा मारा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बहुत बड़ा सच स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी और उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी एसटी ओबीसी की पीढ़ियों को तबाह किया है। दिल्ली की लुटियन गैंग खान मार्केट गैंग है और इन्हीं गैंग ने इन घोर सांप्रदायिक लोगों को रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है और उनके पापों को छुपाने का काम किया है। कांग्रेस जिस तरीके से, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। ओबीसी वोटों की लड़ाई सिस्टम पर चढ़ाई, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसको बता दें कि ओबीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि विपक्ष पर हमलावर नजर आए, तो वहीं विपक्ष लगातार ओबीसी को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी एक बड़ा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश त्रिवेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीतला प्रसाद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी दलित चिंतक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कालीचरण जी से करना चाहूंगी मैं। अगर हम बात करें कालीचरण जी, तो जिस तरीके से ओबीसी को लेकर राहुल एक ओर जहां मुखर हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री का ही आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, कालीचरण जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, वापस आए। ठीक है, कालीचरण स्नेही जी हमारे साथ हैं फिलहाल। कालीचरण जी कैसे देख रहे हैं कि ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है, एक वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है, और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जारी है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ओर जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाजपा सम्मान नहीं कर रही है, ये आरोप प्रत्यारोप जारी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक समय कांग्रेस के समय में दलितों को और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को और आदिवासियों को खूब तवज्जो दिया जाने की कोशिश की गई थी, और उसी के बल पर लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया। ये सही है हेलो जी जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। तो देखिए, जो राहुल जी ने कहा है कि कुछ हमारे जो है पार्टी से गलतियां हुई हैं, हमारे जो राजीव जी और इंदिरा जी के समय जो गलतियां हुई हैं, स्वाभाविक है जो सत्ता में रहता है कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन ये सही है कि इनको उस समय ओबीसी एक तो आरक्षण नहीं आया था, दूसरी बात यह है कि ओबीसी उस तरह से चिन्हित नहीं हुआ था, बीएसपी का भी उदय नहीं हुआ था, तो स्वाभाविक रूप में तीन से ही काम चल जाता था, आदिवासी, दलित और मुसलमान।
इन तीन से काम चल जाता था कांग्रेस का, तो उसको इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन जब ये वर्ग छिटका और स्थानीय क्षेत्रीय दलों ने अपना बनाया, तब फिर जाकर के परेशानी राजनीतिक दलों को पड़ी और मोदी जी ने उसका भरपूर लाभ उठाया। वो समझते हैं कि हम मुसलमानों को एक अलग करके हम जो है उसकी भरपाई, ओबीसी जो इतनी बड़ी संख्या है उनकी 50% से ऊपर, उससे हम कर सकते हैं। तो उसको केंद्र में रख करके इन्होंने जो रणनीति बनाई है उसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ना ही था, तो वो जो पड़ रहा एक, लेकिन है ये वोट की राजनीति। वैसे ओबीसी का लाभ जो उस तरह से कोई लामबंद करके उनको लाभ देने वाले नहीं है, ये ना ना भाजपा लाभ देने वाली है ना कांग्रेस लाभ देने वाली है। ये सत्ता से जब बाहर होती है तो इस तरह की याद आती है, क्योंकि ओबीसी के विषय में उस तरह से नहीं किया गया जो लाभ मिलना चाहिए था भाजपा के 10 साल के शासन में, वो दिखाई नहीं दिया है बड़े पदों पर। इसको हम सब महसूस कर रहे हैं, बड़े पदों पर कहीं भी ओबीसी को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बिठाया गया है और ना उनको उस तरह से सम्मान किया गया है। केवल सारा ओबीसी का जो सम्मान है मोदी जी के ही खाते में डाल करके कह दिया था हम भी ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं। और कितने ओबीसी हितैषी हैं सब जानते हैं, ओबीसी का किसी को कोई चिंता नहीं है, संविधान को दरकिनार करके सब चीजें की जा रही हैं। पर यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि सत्ता का मजा चखना है तो स्वाभाविक रूप में सबको ने लेना पड़ेगा, और इतना बड़ा तबका जो मुसलमानों का है उनको दरकिनार करोगे तो उन्हें ओबीसी के पास तो रहना ही पड़ेगा। और ओबीसी का इतना बड़ा वोट बैंक यदि कांग्रेस अपनी तरफ नहीं ला सकी कुछ संख्या में, तो वो सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश द्विवेदी जी, वोट बैंक माना जा रहा है ओबीसी को एक बड़ा, और जिस तरीके से बार पलटवार का सिलसिला जारी है तो वोटों की राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अभी यहाँ पर कालीचरण जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। आप सभी को चैनल में बैठे हुए परिवार को साधारण प्रणाम करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे कालीचरण जी जो दलित चिंतक हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार नारा जो दिया सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करते हुए, आज दलित और पिछड़ों के यदि कोई अनुदायी है जो समाज के हर वर्ग को लेकर कर चलने का संकल्प लिया, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस की जब सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद में पूरे संसाधनों के हक एक मुस्लिम परिवार को दिया जाना, ये कहाँ तक उचित होगा? जहां भी देखिए वो मुस्लिम परिवार की ही पैरवी करते थे, तो आज दलित परिवार और पिछड़ा परिवार का यदि कोई परिवार है अगुआ, तो हमारे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं दलित चिंतक जी की बात को एक बात काटना चाहता हूँ कि वो कह रहे थे कि केवल मोदी जी का चेहरा है कि पिछड़ा जात पे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने आज मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बनाया वो आपका पिछड़ा परिवार का, इसीलिए बनाया ना ताकि लोकसभा में आप इसका जिक्र कर सके। जी मैडम, इसीलिए तो बनाया ना ताकि आप जिक्र कर सके। हेलो, चर्चा में पहले से ही थे, पहले से ही सत्ता में थे। एक दलित परिवार के बेटे को जो है आपके छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया, आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, मोदी जी पिछड़ों और दलित और समाज के हर वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करते हैं। आप राहुल गांधी की कांग्रेस को उस समय उत्थान देख लीजिए, हर समय हर जगह पे उस सीटों पे जो है दलित भी नहीं बैठ पाता था, पिछड़ा वर्ग परिवार नहीं बैठ पाता था, केवल वोट की राजनीति करते थे, केवल ये मुसलमानों को अगुवाई करने का जगह देते थे, मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज भारत देश का हर वर्ग ये जाग चुका है कि ये देश सबका है, इस देश सब में यदि कोई कार्य कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है पूरे भारत देश में कमल खिल रहा है, जिस प्रकार कमल खिल रहा है उस कमल को खिलाने के लिए आज पूरी जनता लालायित है। 370 धारा जो हटाया गया, आज यही राहुल गांधी जी कहते थे कि राम मंदिर बनाया गया, राम को काल्पनिक बताने वाले
आज कहीं कोई दिशा में दिखाई नहीं देते हैं। आज पूरे भारत देश में हर जगह कमल दिखाई देता है। ओबीसी और दलित इस परिवार गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में कमल खिलाने के लिए तैयार है। और एक शब्द हम और कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये पीडीए चिल्ला रही है। असली तो पीडीए का काम तो मोदी जी करते हैं। पीडीए का मतलब ये बताते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक के लिए भी मोदी जी ने काम किया, पिछड़े परिवार के लिए भी मोदी जी ने काम किया, और आपके जो है दलित परिवार के लिए भी मोदी जी ने काम किया। कुछ बाबा साहब के, अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से लेकर के कुछ बाबा साहब के हर चीज को जो है आगे बढ़ाने का काम हमारे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये पीडीए का नारा देते हैं, इनका पीडीए का अर्थ एक ही है, पी से पाकिस्तान, डी से दाऊद और ए से आतंक। आप समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पीडीए का नारा यानी पाकिस्तान का जब नारा चलिए लगता है तो ठीक है ये खुश होते राजेश हैं। जी, वापस आएंगे। शीतला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर जिस तरीके से अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए काम करना चाहते हैं, दलित अल्पसंख्यक से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप कितना भी नारा दे दें लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछड़ा परिवार के हितैषी भारत देश के रुक सभी जाइए प्रधानमंत्री राजेश माननीय जी, नरेंद्र मोदी राजेश जी जी से। रुकिए जरा, रुक जाइए। शीतला प्रसाद जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हाँ अंदर जी 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 मैडम, जी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है मैडम, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी है वो सब सच्चाई से भरा पूरा है। उसमें कहीं न कोई झूठ है न कोई लाग लपेट है। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के लिए काम करती है। इंसान में जो भी ब्लड है वो इंसानियत के लिए है। हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, न कोई जाति है न पाति है, और समान रूप से हम लोग काम करते हैं। और आने वाला भविष्य जो है उज्जवल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी और समाज के लिए भी, भारतवर्ष के लिए भी। ऐसी हमारी जिज्ञासा और मानना है। और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पार्टी हमेशा आगे बढ़ेगी और लोगों को समुचित उत्थान मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर किस्म के लोगों को रोजगार से, धंधे से, सुविधा से, स्वास्थ्य से, सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है कालीचरण जी, जिस तरीके से अभी देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला जारी है, और अभी यहाँ पर जैसे बीजेपी नेता कह रहे थे कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के लिए ही काम कर रही है, मुस्लिम परिवारों के लिए ही काम कर रही है, और अब चूंकि चुनाव में इसका फायदा लेना है इसलिए ये बयानबाजियां जो है तेज कर दी गई हैं और पीडीए का नारा दिया जा रहा है। राजेश जी मैं आऊंगी, रुक जाइए कालीचरण जी। हेलो, हाँ जी, जी कालीचरण जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, लंबे समय तक जो शासन व्यवस्था में रहते हैं उनसे निश्चय ही किन्हीं ना किन्हीं वर्गों की उपेक्षा होती है और किन्हीं ना किन्हीं वर्गों को अपना करके चलते हैं। जैसे इस समय हम देख रहे हैं भाजपा के द्वारा एकदम पूरी तरह से मुसलमानों को एक तरह से साइडलाइन किया गया है, और वो स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें उनका वोट की कोई दरकार भी नहीं है, उसकी भरपाई उनको वो भी होने की पूरी गुंजाइश थी और हो भी रहा है, तो स्वाभाविक रूप में अपने वोट बैंक को राजेश जी सभी इसके बाद सहलाते हैं, आऊंगी मैं। करते हैं। लेकिन लेकिन इतनी बड़ी आबादी को, मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी को लोकतंत्र में ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को दोहराया है कई टीवी चैनल पर कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, जिस दिन ऐसा करूंगा मैं सत्ता में बिल्कुल नहीं रहूंगा, उन्होंने भी कहा है। लेकिन हाँ, ये दोनों प्रकार की बात वो करते रहते हैं, अपनी सभाओं में लगातार मुसलमानों को टारगेट भी कर रहे हैं और किसी किसी चैनल पर यह भी दोहरा रहे हैं कि मैं मुसलमान हिंदू कभी नहीं करता हूँ, ना मुझे करना है, ना मैं सत्ता में रह के ये करूंगा। तो ये दोहरा जो आचरण है सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का, किसी भी दल के जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो वो इस तरह का
करते हैं कि वो अपने वोट बैंक को साधने की कवायद भी पूरी तरह से करते हैं, और जिनसे उन्हें वोट बैंक का सहारा नहीं होता है वो उनकी उपेक्षा भी करते हैं पूरी तरह से। तो ये राजनीतिक दलों का एक बना हुआ है, वो उसको अपने तरह से साधते हैं निशानों। जहां तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाना चाहूंगी, इस चुनाव में क्या लगता है, इस चुनाव में दलित चिंतक किसके साथ, दलित जो है वो किसके साथ है? देखिए अधिकांश दलित जो है स्वाभाविक रूप में दलितों को जो है संविधान से ही सारी ताकत मिली है और संवैधानिक संस्थाओं से मिली है, और नौकरी ही उनके पास एकमात्र बचती है। जो नौकरी का साधन भाजपा सरकार में उस तरह से नहीं हो पाया है जो करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में ही देखिए या भारत में अधिकांश जगह जो सरकारी नौकरियां निकली हैं उनमें पेपर आउट हो रहे हैं, और पेपर आउट हो रहे हैं तो पेपर आउट करने वालों के पास ना बुलडोजर जा रहा है क्योंकि वहां एक विशेष तबके के लोग हैं। यदि यही गलती कोई अल्पसंख्यक के द्वारा होती तो बुलडोजर चल जाती और उसको बहुत पनिश किया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने तमाम प्रकार के पेपर आउट हुए हैं, नीट का भी पेपर आउट हो गया है, लेकिन ना बुलडोजर चला, सब थमे हुए हैं। बड़े जो मतलब दावे करते हैं, तो मतलब मुख्य रूप से ताकत तो दलितों को संविधान से मिलती है, तो दलित जो है मन बना चुका है कि किसी भी तरह से संविधान के जो विरोधी हैं, संविधान पर मत्था टेकते हैं लेकिन संविधान के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक रूप में उनसे वो दरकिनार रहता है, और दरकिनार रहने की कोशिश करेगा, इसका परिणाम हम देखें। ठीक है, राजेश द्विवेदी जी। जी मैडम, अपनी बात को पूरा करें। देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे जो है शीतला प्रसाद जी कह रहे थे कि कांग्रेस सबकी हितैषी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और मनमोहन सिंह का बयान है या हमारा बयान नहीं है कि हमारे योजनाओं पे, हमारे संसाधनों पर पहले एक वर्ग विशेष का जो है योजना दी जाएगी, तो हिंदू मुसलमान करने का काम कौन किया? हिंदू मुसलमान काम करने का ये कांग्रेस ने किया, जात पात में पूरे देश को बांट करके एक नीति अपनाने का काम कांग्रेस ने किया। भारत देश के सभी प्रधानमंत्री यदि हिंदू मुसलमान करते तो भारत देश के उच्च पदों पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना करके, एक दलित परिवार को जो है दो बार से राष्ट्रपति बना करके जो है, और पिछड़े परिवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो असली हितैषी तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी तो कालीचरण जी कह रहे थे ना कि बीजेपी ने कुछ खास ओबीसी लोगों के लिए किया नहीं, ओबीसी वर्ग के लिए कुछ खास किया नहीं है, एक नौकरी बस्ती है वो भी नहीं मिल पा रही है उनको। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। दलित चिंतक जी हमारे जो कालीचरण जी अभी कह रहे थे, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये दलित चिंतक है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं। इसमें कोई दुराय नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा, आपके विरोध में कोई बोल दे तो वो दलित चिंतक नहीं होगा, वो फिर आपके विरोध में होगा। आपकी बातों से क्या पूज बाबा साहब ने जब संविधान के निर्माता के रूप में बने और संविधान बनाया तो सर्वप्रथम वहाँ उस पृष्ठ में भगवान श्री राम का जो फोटो छपा था वो कांग्रेस ने हटाया कि नहीं हटाया? अपमान किसने किया बाबा साहब का? कांग्रेस ने किया? क्यों नहीं कहते इस विषय को? नहीं, क्यों नहीं कहते इस विषय को? आज भारत देश में पूरे दलित परिवार की चिंता यदि कोई है तो मुख्यमंत्री पूज हमारे जो है हर राज्यों के जो करते हैं, जो राज्य में हो, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाइए पूज योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से चाहे वो दलित हो, चाहे वो आपका पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो सामान्य का वर्ग हो, चाहे वो हमारा जो है अल्पसंख्यक का परिवार हो, हर परिवार के लिए हर चीज की योजनाओं को लाभान्वित देते हैं। आवास है, शौचालय है, आयुष्मान कार्ड है, बहन बेटियों की शादी कराने का काम है, सब लोगों की चिंता करने का काम करते हैं। तो हमारे भारत देश के सत्रहवें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अनेक राज्यों में जहां कालीचरण जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, उसके बाद शीतला प्रसाद जी आपके पास आती हूँ मैं। कालीचरण जी, हाँ, ये जो कह देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये लोकतंत्र है देश में, वो कह रहे हैं ईश्वर ने मुझे चुना है। ईश्वर ने चुना है कि 140 करोड़ लोगों ने चुना है? माने और देखिए अभी संबित पात्रा जी क्या बोल गए हैं, तीन दिन का प्रायश्चित भी कर रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान भी उनके भक्त हैं। मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके जो चल रहा है, तो किस तरह से संविधान
ईश्वर की बताओ, आत्मा जनता में आपके वास भाई करती जनता है, सुनो तो ईश्वर जाते की हैं, आत्मा जनता उनके में बोलो वास नहीं करती है, है, सुनिए इसलिए हम उनके जनता बोलो के नहीं है। परिवार को हम अपना लोकतंत्र में ईश्वर के इनको रूप में प्रिवेंट मानते होता हैं, है, हम तो जनता से प्रेम मैं गलत करते हैं, हूँ? हम आप जनता का मैं सम्मान करते प्रधानमंत्री हैं। मैं क्यों तो कह रहा हूँ? आप ही लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते। मैंने कहा कि आप और कांग्रेस के प्रवक्ता के हमीं रूप लोगों ने में हैं, बढ़ता है, लिख हमीं दीजिए लोगों टीवी ने चैनल ब्राह्मण पे बनाए हैं, कि आप कांग्रेस के हमीं लोगों प्रवक्ता ने हैं, ब्राह्मण और बनाए वो हैं, शिवला हमीं लोगों ने बंजारा ठाकुर बनाए प्रसाद हैं, जी कांग्रेस के हमीं प्रवक्ता लोगों ने नहीं है। बनाए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे शीतला हैं? प्रसाद जी, शीतला प्रसाद जी अपनी बात को पूरा करिएगा। फैलाई है जी, जी कि हम ही लोगों जी की फैलाई मैडम हुई है, जी ये तो शीतला प्रसाद जी, इसलिए यहाँ फिर पर अभी समाज में आपने खुद सुना, भाजपा नेता कह रहे हैं हमने ही किया है दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यक के लिए काम, आप सिर्फ वर्ग विशेष के लिए काम करना जानते हैं। का काम किया आतंकवादियों के समर्थन में, राजेश द्विवेदी यही जी, थोड़ा कांग्रेस के पेशेंस लोग रखिए कहते थे कि प्लीज। अफजल हंस शीतला जिंदा है, प्रसाद तेरे जी, कातिल अभी शीतला जिंदा है, प्रसाद जी, आप क्या शीतला खोने प्रसाद जाए। जी अपनी बात को पूरा करेंगे। राजेश द्विवेदी जी रुक जाइए, आज भारत पे राजेश द्विवेदी जी रुक जाइए जो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? रुक जाइए शीतला प्रसाद जी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूं कि ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी करता है। ये अपनी सहायता खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर कहां से इनकी सहायता करेगा। ईश्वर के नाम पर केवल वोट मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है मुसलमान है, ये सिख है ईसाई है। हम सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए समानांतर रूप से सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 4 तारीख को देखिएगा कि कांग्रेस की और गठबंधन की दिशा जो है बदलने जा रही है और आप लोग केवल देखते रह जाएंगे। आपको मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राजेश द्विवेदी जी अनम्यूट कीजिएगा, राजेश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, राजेश जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ मैडम, अपनी बात को पूरा करिए। राजेश जी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, जी राजेश जी अपनी बात को पूरा करिए। तो मैडम मैं कहने वाला हूँ कि जो कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, और जो परिवार केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम करे, योजना का लाभ केवल कब्रिस्तान को घिराने का काम करे, ना इनको दलित की चिंता है ना इनको ओबीसी की चिंता है, ये तो केवल जो है मुसलमानों की चिंता करने का काम करते हैं, क्योंकि इनका खानदान ही मुसलमानों से बना हुआ है। उठा करके इतिहास देख लीजिए, और दंगा भी कराने का काम यही करते हैं लोगों को जो है। और आज भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यदि आयुष्मान कार्ड बनाया तो दलित की चिंता भी की, आज भविष्य की भी चिंता की, और मुस्लिम कालीचरण परिवार की जी, अभी बीजेपी नेता कह रहे थे कि हमने दो दलित जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिए हैं, दलितों को एक हमेशा बड़े औहदे पर रखा है, कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया है, तो क्या दलितों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो दलित वर्ग के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसको? देखिए, बड़े ओहदे पर रखना और बड़े ओहदे पर बड़ा दिल दिखा करके उस बड़े ओहदे का सम्मान करना, उनको ताकत देना, ये भी तो भाजपा को करना चाहिए था। आदरणीय हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति कोविंद जी थे, उनको किस तरह से जाकर के, किस देश में जाकर के मनुवादी व्यवस्था ने मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दिया। स्वयं राष्ट्रपति मुर्मू जी है जो वो आदिवासी है, उन्होंने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन ताकत कितनी दी गई है। माने संसद का उद्घाटन हो जाता है लेकिन उनको दरकिनार, के लोकतंत्र में संविधान की प्रमुख राष्ट्रपति होती हैं, उनको वहां नहीं बुलाया गया है, ना दोनों पर सदनों को संबोधित करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का जितना ढोरा पीटते हैं, आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, लेकिन वहां उनको छोड़ दिया, वहां नहीं है। तो एक लोकतांत्रिक देश में संविधानिक व्यवस्था में धर्म को केंद्र में लाना ये असंवैधानिक है। धर्म जो है, ठीक है। संजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ये जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है वो ओबीसी पर आकर टिक गई है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जारी है, एक ओर जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं तो वही प्रधानमंत्री राहुल गांधी और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो वोट बैंक है उसे साधने का काम कर सकते हैं?
राज्यवाद को बढ़ाया है, संजय धनिष्ठ जी से अपनी लेकर बात को पूरा करिए, के राजेश और जी प्लीज रुक जाइए, राजेश जी को म्यूट कर दीजिए। लोगों का सम्मान किया है, पीएम संजय जी, मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला रहा, अब की बार संजय जी सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिएगा संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि कौन आदमी जो है बरगला रहा है, बीजेपी या कांग्रेस या ठीक है गठबंधन। गठबंधन संजय हमेशा जी, आगे है, आगे रहेगा। आप सुन पा रहे हैं संजय जी? हिंदू मुसलमान करने वाले इस देश में सफल नहीं होंगे, और कांग्रेस संजय जी आवाज आ रही है आपको? संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और एक और जहां प्रधानमंत्री लगातार ओबीसी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो कहीं वहीं पर कांग्रेस भी ओबीसी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, प्लीज अनम्यूट कीजिए। संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, और बता दें कि ओबीसी वोटरों की जिस तरीके से ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, जहां एक और ओबीसी पर राहुल मुखर हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में ओबीसी वोटर्स किसके पाले में जाएंगे ये तो देखना होगा, और आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।